तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा क्या बेटा? मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये सब करने के लिए बोलना बेटी, पहले हम हमारे सचिन को खो चुके, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते बंधु? बंधु, अरे आज तक हजारों मुसीबतें आई लेकिन हमने कभी मैदान नहीं छोड़ा, फिर आज तूने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत डर गई थी बाबा, मैं अपनी बदनामी के डर से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अरे पागल है तू बंधु, हम सब है ना तेरे साथ। ये लड़की ना हमारे जिंदगी में आती, ना हम हमारे सचिन को खोते, ना ये बंधु पे ये नौबत आती। बस कर, बस कर आई। जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार अर्चना को ठहराता। इस लड़की को तैरना नहीं आता था, मेरी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूदी है, दिखता नहीं है। इसको इतनी अकल नहीं है, इसे तैरना नहीं आता तो क्यों उतरी मेरी बंधु को बचाने के लिए? अगर इसे कुछ हो जाता ना तो इसके घर वाले हमें गालियां बकते। बस करो सविता, तुम्हें कुछ समझता है या नहीं? अरे किसी की अच्छाई तुम्हें नहीं दिखती तो ना सही, लेकिन अच्छाइयों को बुराइयों का नाम मत दो। जाओ बंधु को अंदर ले जाओ। अर्चना तुम भी अंदर जाना। बेटा तुम भी जाकर आराम करो। तो भी और आना काका, सब मेरी वजह से। ना मैं बंधु को जाने के लिए बोलता और ना ये सब कुछ होता। मानव, वंदिता का फंक्शन में हिस्सा लेने का फैसला हम सबका था, तो आप अकेले अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, तो हम सब मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। मानव, आप थक गए होंगे ना, जाइए जाकर आराम कीजिए। बाबा। हाँ बेटा। चाहो। हाँ। ठाणे येथे वंदिता देशमुख नावाच्या मुलीने केला आत्महत्येचा प्रयत्न? बाबा ये देखिए पेपर में क्या है। क्या हुआ है बच्चा? बाबा कल रात को वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की और पुलिस का कहना है कि पुरानी दुश्मनी या फिर झगड़ा इसकी वजह हो सकती है। अरे देवा, ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मेरी अच्छू से बात हुई थी, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। अरे कैसे कहती है, ये तो सब कल रात को ही हो गया है ना। हाँ ये भी तो सही है, पता नहीं उस घर को किसकी नजर लगी, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक हादसे से संभलते नहीं और दूसरा हादसा हो जाता है। मुझे लगता है हमें बंधु को देखने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि मुझे पेंशन के सिलसिले में बाहर जाना है, तो तुम वर्षा को लेकर चले जाना। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। चल वर्षा, हम जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। चल। ये लो, फिर एक प्रॉब्लम, पता नहीं क्या लिखा है इन लोगों के भाग्य में, जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत तो लगी ही रहती है।
अरे ये तो सविता ताई है जो इतना सब कुछ सह रही है। उनकी जगह कोई और होता ना तो कब का टूट चुका होता। लेकिन तुझे लगता है लक्ष्मी सविता ताई ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? बेटे की बदनामी का बोझ उठाना कितना कठिन होता है। बात तो तू सही कह रही है। बापा सविता ताई को ये सब कुछ सहने की ताकत दे और उनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। मैं तो जानती थी ये अजीत हमारी वंदू का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ये पेपर वाले वो नाम के साथ पता भी छाप देते। इतने दिनों तक ये चार दीवारों के बीच में खबर थी, अब सारे मोहल्ले में हो गई और लोगों का नजरिया बदल गया मेरी वंदू की तरफ देखने का। आई वही रुक जा। तेरे जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी। न वहां से कोई यहां मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है तो ही तू अंदर आ सकती है। अरे आइए ना आप लोग अंदर। नहीं आए। तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। ये कैसी बात कर रही हो अर्चना? मानव प्लीज आप इस बारे में कुछ नहीं बोले तो अच्छा। आई ये मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल के लोगों की मर्जी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वर्षा की सगाई में तूने इन सबको घर से बाहर निकाल दिया तो वो तेरी मजबूरी थी। और आज मैं तुझे इस चौखट के बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ ये मेरी मजबूरी। लेकिन अर्जुन आई अजीत की खाते तूने इन सबको घर से बाहर निकाल दिया था। आज उसी अजीत की वजह से मेरे घर वाले पता नहीं क्या क्या भुगत रहे। न चाहते हुए भी तूने अजीत के साथ रिश्ता निभाया आई। और मुझे नहीं लगता तुझे ऐसे हालात में यहाँ आना चाहिए, इसलिए तू वापस चली जा। अर्चना जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को लेकर। नहीं बाबा, मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ। देखो सुलोचना ताई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी आपको अंदर आने से मना कर रही है। अगर आप अंदर आना चाहती है तो आ जाओ और देखो मेरी वंदू के जिंदगी का तमाशा देखो। आई चल, आई चल यहां से, चल तू। बदला ले लिया। अच्छा, और उस बदले के साथ साथ मेरा और अपना खुद का नुकसान किया है उसका क्या? अरे क्या जरूरत थी तुझे उस कॉलेज में जाकर इतना बड़ा तमाशा करने की? तुझे पता है अजीत, तूने मेरी रेपुटेशन, मेरी कुर्सी, मेरी हैसियत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुझे पता है उस अर्चना ने रेप अटेम्प्ट को लेकर महिला समिति में अर्जी दे दी है। तुझे पता नहीं अजी कितना बड़ा भवाल खड़ा हो जाएगा। आई, कितनी चिंता करती हो? कुछ नहीं होगा, हम जैसे बड़े लोगों के हाथों ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लोग कुछ दिनों को याद रखते हैं, मीडिया वाले खबर उछालते हैं, बाद में धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है, सब भूल जाते हैं। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। ऐसी बदनामी हुई उस लड़की की एक ही, मैं तो कहता हूँ खुशियाँ मना ले। तुझे पता है अजीत तेरी प्रॉब्लम क्या है?
कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में तू सोचता नहीं है, बस कर देता है। हेलो, आई तुमने आज का पेपर पढ़ा? अरे उसमें वंदिता के बारे में ये सब क्या छपा है? हाँ, अब वही तो रोना रो रही हूँ तेरे भाई के सामने। लेकिन तेरा भाई ऐसा है ना कि किसी भी चीज का असर ही नहीं होता है उस पर। आई अगर तू कहे तो मैं आकर अजीत से बात करूं? नहीं, तू इस मामले से दूर ही रहे। तू यहाँ आएगी ना तो तेरे घर वाले तुझे सौ बातें सुनाएंगे। आई पर चल पाए आई। इतनी चिड़चिड़ करके गुस्सा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू जितना चिढ़ेगी जितना गुस्सा करेगी ना उससे तुझे तकलीफ होगी, उससे तू कमजोर पड़ेगी और तू कमजोर पड़ेगी ना तो गुस्से में आकर गलत फैसले लेगी। ऐसा ही गलत फैसला मैंने अपनी जिंदगी में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हालात थे, ऐसा ही दर्द था। बस फर्क इतना है कि आज मेरी जगह तू खड़ी है। कहीं नहीं बंधु, इस तरह अजीत ने मुझे परेशान करके रखा था, मुझे इतना बदनाम कर दिया था, ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठाई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने भी गुस्से में आकर मरने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा वो फैसला गलत था। उससे मेरे घर वालों को इतनी तकलीफ पहुंची कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त अगर मैं मर जाती ना तो शायद मेरे दर्द खत्म हो जाते। लेकिन जो दर्द मैं अपने परिवार वालों को देकर जाती ना वो कभी खत्म नहीं होता। बंधु, हम सचिन को पहले ही खो चुके हैं बंधु, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो बता बाबा का क्या होता, आई का क्या होता, तेरे दादा का क्या होता और मेरा क्या होता, बता। बंधु, मैं तेरी हालत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तुझे जो तकलीफ हो रही है ना मैं महसूस कर सकती हूँ बंधु। और एक बात याद रख, तू कभी अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब तेरे साथ खड़े। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, समझी? बस बंधु बस, अब बिल्कुल रोना बंद कर, भूख लगी है ना तुझे? बंधु चल अब बिल्कुल चुप हो जा, रोना बंद कर, खाना खाएगी ना तू? मेरे लिए खाना प्लीज। तू खाएगी अपने हाथ से? ले खा। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कम से कम शांति से खाना तो खाने दो इन्हें, जो भी बात करनी है बाद में करना। एक क्वेश्चन, क्या बात है अर्चना? मानव, मुझे आपसे बंधु के बारे में बात करनी है।
मानव आपने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है, हमें अजीत की हरकतों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? कानून के पास जाता तो कानून तो पहले ही अजीत जैसे अमीर लोगों के हाथ बिक चुका है। अगर कानून हाथ में लेता नहीं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो फिर क्या करूँ अर्चना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महिला समिति। मानव, इससे पहले भी मैं ये मसला उनके पास लेकर गई हूँ। मानव, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो वंदिता को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। और आपको पता है मानव, उन्होंने रसिका काकी से भी उनके बेटे की हरकतों का जवाब मांगा। मानव, आज वंदिता के बारे में जो कुछ भी पेपर में छपा है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी हमारी भूमिका और मजबूत हो गई। फिर क्यों ना कुछ नहीं होगा अर्चना, कुछ नहीं होगा। रसिका जी खुद महिला समिति के अध्यक्ष, वो कैसे ना कैसे करके अजीत को बचा ही लेंगे। अंत में सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मानव, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन मानव प्लीज, एक कोशिश, आप एक बार मेरे साथ चलिए तो शायद। मैंने कहा ना, मैं जल्द से जल्द कुछ करूंगी। मैं जानती हूँ मैं महिला समिति की अध्यक्ष, लेकिन साथ ही साथ अजीत की आई भी हूँ, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना फैसला लेने के लिए। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है काकी? अजीत ने वंदिता की जिंदगी बर्बाद करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। देखो अर्चना, बहुत कुछ देख चुके हैं काकी, अब देखने की बारी आपकी है। अपनी आंखें खोलिए और ये देखिए इस पेपर में क्या छपा है। आपके बेटे की वजह से हमारी वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। दुनिया में कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो उसका संबंध तुम अजीत से जोड़ोगी? अरे ये भी कोई बात नहीं। देखो, तुम्हारी ननद वंदिता ने आत्महत्या करने की जो कोशिश की है उससे मेरे बेटे अजीत का कोई लेना देना नहीं है। कम ऑन रसिका ताई, कम से कम आपसे तो इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी हमें। कोई पागल आदमी भी ये बता सकता है कि उस दिन कॉलेज के फंक्शन में अजीत ने जो कुछ भी किया वंदिता के साथ, ये उसी का नतीजा है। आपको लगता नहीं है कि आप अजीत को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही हैं? देखिए रसिका ताई, वैसे भी इस मामले को लेकर हम बहुत सीरियस हैं, पर अब तो बात और भी बिगड़ चुकी है। अजीत की वजह से वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हम आपको अब ज्यादा समय नहीं देंगे, आपको जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस मसले में रसिका जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अजीत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनके अंदर की आई बीच में आती है। रसिका ताई, आपने आज तक कई फैसले लिए हैं और हमने भी आपके हर फैसले का मान रखा है, लेकिन बात आज आपके बेटे की है। जिस औरत के बेटे पर वुमन एक्सप्लॉयटेशन का मामला चल रहा हो, उस औरत को इस कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं लगता। माफ कीजिएगा रसिका ताई, जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल जाता, आप इस कुर्सी को खाली कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं, और हम इन 2 दिनों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अजीत मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अपने बेटे को सजा देने में नाकामयाब रही तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना होगा। अब आप फैसला कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आज से रसिका ताई की जगह मिसेस कामत उनका पद संभालेंगी। रसिका ताई,